साइकेट्री के अच्छे क्वेश्चंस नॉर्थ साइड 6 से पहले जो था ना उससे अच्छे मतलब इस बार आए हैं एमएसएन की बहुत कम क्वेश्चन मिले सेनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तो इसमें देखने को मिले नहीं वन लाइनर क्वेश्चन थे अटेम्प्टिंग इतनी ज्यादा कैसे पहली बार सुना मैंने 90 पार आपका एक बार जानने की कोशिश करते हैं जो अदर सब्जेक्ट है जो नर्सिंग का नहीं है वो सब्जेक्ट कैसा रहा अच्छा इंग्लिश भी आई है कंप्यूटर से इनसे अच्छा पेपर का जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कोई नहीं दे सकता एमडी सर की जितनी भी क्लास है उनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए अच्छा बच्चे कही कह रहे हैं एमएसएन का माया बाकी तीन सब्जेक्ट ज्यादा है सुबह की 6 बजे क्लास वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉर्थ साइड से नॉर्थ साइड की और जो सर आपने कल लेट क्वेश्चन का सेशन चलाया था उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन तो हुआ मेंस के लिए क्या करना चाहिए उक्त नर्सिंग क्लासेज सब्जेक्ट कौन सा ज्यादा पूछा जाए आज वाली क्लास 2 क्वेश्चन रहा जहाँ तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का बाकी बाद में पूछेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा जहाँ प्यारे दोस्तों आज नॉर्थ सेट प्रीलिम्स का पेपर है नॉर्थ सेट 7 के इस प्रीलिम्स के पेपर में जो बच्चे टारगेट लेके आए हैं कि इस बार तो खोपड़ी एग्जाम की फोड़ी देनी है और तीर चाहे कहीं पर भी लगे लेकिन जाएगा बहुत लंबा अपनी पूरी मेहनत साल भर में उन्होंने की है और उस पूरी मेहनत को आज यहाँ पे बच्चों ने कैसे अप्लाई किया है कैसे उन्होंने पूरी मेहनत को इस एग्जाम में झोंका है कैसा पेपर रहा है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जो लगातार बच्चों ने पढ़ा है वो आज बच्चों को कितना फ़ायदा कर पाया ये एग्ज़ाम या बच्चों को इस एग्ज़ाम में कितना फ़ायदा मिला है उसकी पूरी रिपोर्ट लेने मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ ग्राउंड लेवल पर जो एग्ज़ाम सेंटर है यहाँ पर तो जब बच्चे यहाँ पर अभी रिलीज होंगे तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि प्रीलिम्स का पेपर उन्होंने कैसा दिया कितने उन्होंने टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और टोटल किस सब्जेक्ट का पोर्शन ज़्यादा रहा क्या वेटेज ज़्यादा रहा क्योंकि जैसे ही बच्चा एग्ज़ाम से फ्री होता है उसको लगभग सारी चीज़ें याद रहती है हर सब्जेक्ट का पैटर्न याद रहता है और वो एक अच्छी रिपोर्ट दे पाएगा हमारा ये पर्पज इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का आने वाली जो जनरेशन है आने वाले जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको एक मोटा आइडिया हो जाता है एग्ज़ाम को लेके एग्ज़ाम के पैटर्न को लेके जो बच्चा एग्ज़ाम दे के आ रहा है बाहर उसको एक पता चल जाता है कि एग्ज़ाम कैसा रहा है क्या सभी बातें सही है जो बच्चे बता रहे हैं हमें एक आइडिया हो जाता है कि आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर आने वाले क्लासेज के अंदर बच्चों के लिए क्या नया करना चाहिए ये सारा पर्पज़ हमारा इस पूरे वीडियो का रहेगा तो चलिए जानना चाहते हैं हर एक बच्चे से कि उन्होंने कैसा एग्ज़ाम दिया मिलाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैंडिडेट से जो एग्जाम दे के यहाँ पे निकल रहे हैं और अपने एग्जाम के बारे में हमें यहाँ ग्राउंड लेवल से रिव्यू देने वाले कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा रहा ओबीजी और पीडी पीडिया बहुत ज्यादा अच्छा पेपर मतलब प्रैक्टिकल था या थ्योरेटिकल था थ्योरेटिकल था इमेज बेस के क्वेश्चन वीडियो बेस तो नहीं था सर इमेज बेस अच्छा 80 अटेम्प्टिंग आपका और क्या लगता है हो जाएगा प्रीलिम्स देखते हैं सर कोशिश तो ऑफलाइन के बच्चों ना हाँ कितने क्वेश्चंस किए 70 कैसा था पेपर अच्छा था और कुछ क्वेश्चन थे जो आए थे जो प्रिडिक्ट नहीं किए थे टेम्परेचर हाँ। के क्वेश्चन थे जो ग्राफिक ग्राफ वाइज थे हाँ। तो मैंने कभी देखे नहीं थे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे और ओबीजी के अच्छे क्वेश्चन थे अच्छा जो ऑफलाइन का कंटेंट हम रोज पढ़ते हैं उसका कितना फायदा बहुत अच्छा फायदा डायरेक्ट जो क्वेश्चंस अपन क्लास में डील करते हैं क्या डायरेक्ट क्वेश्चन थे हाँ अच्छा इमेज बेस के क्वेश्चन इमेज बेस में सर ओबीजी का आए थे कुछ और एक टेम्परेचर का क्वेश्चन था और एक सर न्यूट्रिशनल वाइज वेट का कुछ क्वेश्चन था वो वाला क्वेश्चन इमेज बेस के क्वेश्चन इमेज बेस के सर 3-4 आए थे एक तो ओबीजी का ही था हां 50% एक तो इमेज में आ गया सर हां एक व्हाट्सएप का था अच्छा जो अपनी YouTube पे क्लासे हमने इतनी सारी ली है नॉर्थ साइड के लिए 100 डे का सीरीज 100 क्वेश्चंस का सीरीज भी हुआ है कितना फायदा क्या लगता है सर बार करना चाहिए एग्जाम के लिए कैसा था पेपर मस्त एकदम जोरदार ऑफलाइन का कितना फायदा फुल फुल अच्छा आज वाली क्लास 2 क्वेश्चन सुबह वाली क्लास है अच्छा आज तो क्वालिफाई हो ही गया नाम भूल गया मैं सुधीर चल तो सुधीर है हमारे ऑफलाइन बैच के अभ्यर्थी है और 88 अटेम्प्टिंग है 85 अटेम्प्टिंग है और बोल रहे हैं कि अच्छा पेपर रहा है और इजी पेपर था इतना कुछ खास हार्ड एंड फास्ट पेपर में पूछा नहीं है सब्जेक्ट कौन सा ज्यादा सुबह 2 क्वेश्चन सर आज सुबह की क्लास एक क्वेश्चन था एम्पल्सी वाला वो एचएमटी मोर रिफ्लेक्स दूसरा वो सर जनरल एनेस्थीसिया वाला जनरल एनेस्थीसिया तो जो अपने प्रीलिम्स के पेपर के लिए जितने भी क्लासेज की है उसे कितना फायदा उसमें सब कुछ काफी क्वेश्चन आए ये हमारे खोजा साहब इस नाम से फेमस है वैसे खोजा साहब की बहुत लंबी जर्नी है मुझे कोई पूछे कि संघर्ष किसको कहते हैं तो आई होप खोजा साहब बहुत लंबी जर्नी रही है आज संयोग से हमें यहाँ पे मिले हैं तो जानते हैं खोजा साहब से इनसे अच्छा पेपर का
जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कोई नहीं दे सकता। तो पहले तो कोजा साहब एक अपनी अंदाज में लाइन टर का तो पेपर के लिए। अच्छा पेपर था सर। जो लड़के दिन रात मेहनत करते हैं निश्चित रूप से अच्छा पेपर था, मीडियम पेपर था। और जो प्री पेपर है, क्योंकि आज का सिस्टम प्री और मेन दो हो गए, प्री जो बच्चा मेहनत कर रहा है लगातार कंटिन्यू स्टडी कर रहा है वो पास कर लेंगे। मीडियम पेपर था, कोई तकलीफ नहीं। सब्जेक्ट कौन सा ज्यादा पूछा जाए? सब्जेक्ट तो एवरेज थे सर, ये ज्यादा एमएस मेडिकल सर्जिकल और साइकेट्री के भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। जो 80 क्वेश्चन नर्सिंग है उनको बच्चे संभाल पा रहे हैं, जो 20 क्वेश्चन है वो कैसे? वो भी मॉडरेट थे सर, वो भी संभाल लेंगे बच्चे। अच्छा, और बच्चों को एक ही मैसेज दूंगा कि आप लगातार पढ़ाई करते रहे, बीच में गैप नहीं दे। आप ऐसा नहीं कि 2 महीने पढ़ लिया फिर बीच में गैप दे दिया, नहीं, आप कंटिन्यू तैयारी करें, आपके सपने 100% साकार होंगे, इसमें कोई डर नहीं। तो कंटिन्यूटी का एक मैसेज खोजा साहब ने यहाँ पे दिया है। तो नरपत हमारे ऑफलाइन के अभ्यर्थी है और नरपत की अटेम्प्टिंग 80 है। नरपत B5 बैच। यस सर, B5 बैच है ना, B5 बैच के स्टूडेंट है। तो नरपत कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा? सब मॉडरेट थे, लेकिन सर ये बात है, सबसे कहना चाहूंगा कि सुबह की 6 बजे क्लास वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉर्थ साइड से, नॉर्थ साइड की। और जो सर आपने कल लेट क्वेश्चन का सेशन चलाया था उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन तो हुबहू आए। अच्छा, हुबहू क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, जैसे वो निजल से गैस्ट्रिक इंट्रेंट करते हुए स्काल्प वाले को नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेटर, ये हुबहू क्वेश्चन आए। अच्छा, नॉन नर्सिंग कैसा रहा? नॉन नर्सिंग ठीक ठाक था सर। अच्छा, करंट के क्वेश्चंस थे, मैथ सीरीज था, लेकिन ट्रेंड के क्वेश्चन काफी अच्छे थे सर। जो अपने बड़े पेरेंट्स ओलंपिक वाला कुमार गौरव की सर के मैसेज कम से कम 3 से 4 सवाल है सर। एक बार कुमार गौरव सर को मैसेज दे दो। थैंक यू सर। कुमार गौरव सर, आप हमारे लिए एक ऐसा मेन से या प्री के लिए आप हमारे लिए जरूर आप जीके क्वेश्चन रखें। और ऐसे कह दो कि लगातार आना है प्री से पहले आपको जीके लेके। जीके और मेंस और प्री के पहले आपको आना ही जरूरी है। बहाना नहीं चलेगा, ऐसे बोल दो एक बार, बहाना नहीं चलेगा। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं MSN का माया, बाकी 3 सब्जेक्ट ज्यादा है। इमेज बेस के कुछ क्वेश्चन आ जाओ। बच्चे मीडिया सर अच्छी थी। अच्छा, ओबीसी मीडिया अच्छी थी और रीजनिंग मतलब इतनी अच्छी नहीं है, रीजनिंग मतलब बिल्कुल ही नहीं थे रीजनिंग के क्वेश्चन। हाँ। मैथमेटिकल थे, ऐसे ही यूनिट वगैरह जो होते ना उनके थे क्वेश्चंस। ओबीसी और साइकेट्रिक के अच्छे क्वेश्चंस, मतलब पहले के नॉर्थ साइड 6 से पहले जो था ना उससे अच्छे मतलब इस बार आए हैं। अच्छा, जो MSN ज्यादा नहीं देखने, जो प्रीलिम्स के लिए हमने YouTube पे काफी प्लान किया, काफी क्लासेस चलाई, उसका कितना फायदा बचो? नहीं सर, काफी फायदा मिला सर, आपकी नॉर्थ साइड सीरीज थी ना सुबह वाली, उसका बहुत फायदा मिला। और आपने बोला था रोज के शौक से। हां जी, MD सर। अच्छा, MD सर मतलब उनकी क्लासेस सब खूब क्वेश्चन है। तो मुरलीधर के लिए एक मैसेज है सर, बच्चे कह रहे हैं कि सर थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट गाइडेंस। ओबीजी अच्छा रहा और आपने बढ़िया। हाँ सर, आप नहीं बोलोगे मैं बोलूंगा। हाँ, मैं सर राम सुमेर सर, MD सर की जितनी भी क्लास है उनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए और जो उनका जो ट्रिक्स रहता है वो बहुत अच्छे से काम है। जैसे लियोपोल्ड मेनू का क्वेश्चन आया था उसके अंदर जो आंसर था उसका थर्ड लियोपोल्ड मेनू करके पावली कृपा और DPS जो बताया था वो बहुत अच्छे से उसका क्वेश्चन आया था। और जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें PDA और OBG थी, PDA के लिए आप खड़े ही हैं और OBG के लिए MD सर अभी है नहीं यहाँ पे। तो सेकंड सेक्शन था उसमें काफी बार फंडा का था और काफी सारा MSN के बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले इस बार। जो मेजर पोर्शन है वो हम PDA का बोल सकते हैं और पहले सेक्शन में OBG का बोल सकते हैं, फिर फंडा का बहुत अच्छा खासा सेक्शन आया और सबसे गंदा सेक्शन बोल सकते हैं वो रीजनिंग वाला रहता। वो नॉन नर्सिंग थोड़ा टफ रहता बच्चों के। कैसा पेपर? कैसा उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो आप? पूरे पेपर वाइज लगातार पढ़ते हो? सारी देख रखी है, मतलब जो है वो तक उसमें से 90% देख रखी है। तो फायदा है, काफी फायदा है। ऐसा नहीं लगता ये रोज क्या क्या आके फालतू बातें करते हैं, कुछ आता था नहीं? इसमें तो ठीक है, फेल होने की पूरे चांस है। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, पेपर का सबसे बेस्ट इवेल्युएशन, अपना इवेल्युएशन तो बढ़िया किया इन्होंने, लेकिन फिर भी होप मेरे हिसाब से रखनी चाहिए। उनका इतना अच्छा पेपर नहीं था क्योंकि CHO पोस्टेड है तो इतना हेडेक लेते नहीं है, नॉर्थ साइड चलो देख ही लेते हैं, लेकिन पेपर देखना भी अपने आप में कला है, उससे जुड़े रहते हैं कि नॉर्थ साइड भी क्या भला है उसको भी एक बार देख ही लेते हैं जाके। कितने किए इसी तरह? 76 76। आपने कितने किए? मैंने सर 80 किए। नर्सिंग इजी था या नॉन नर्सिंग? नर्सिंग इजी था, नर्सिंग के कुछ आए नहीं सर। मेन चांस तो मतलब जीके का ही रहता, वो जीके क्या वो रीजनिंग रहती है, रीजनिंग एक भी नहीं आया, रीजनिंग का क्वेश्चन ही नहीं आया। तो कौन सा क्या ज्यादा है, मैथ ज्यादा है? लाभ आनी और ये सब इंग्लिश में भी आया है, दोनों टाइम्स वो सिनोनिम्स आते हैं ना वो आए थे। अच्छा, इंग्लिश भी आई है? इंग्लिश भी। कंप्यूटर? कंप्यूटर नहीं। करंट्स? करंट में भी एक दो आया था। ओलंपिक मेडल का आया था क्या? पूछा
उसमें गोल्ड मेडल कितने मिले थे पैरा ओलंपिक इंडिया को? हाँ पैरा ओलंपिक वाला, ठीक है। और ओलंपिक में तो गोल्ड मेडल मिला ही नहीं था, मिला ही नहीं था। काफी क्वेश्चन है। अच्छा टोटल अटेम्प्टिंग कितना था आपका? 80। कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? मेरा ये पांचवा अटेम्प्ट था। क्या बात है भाई, लगातार मेहनत है बच्चे। कितने क्वेश्चन किए? 70। क्या लगता है थोड़े कम नहीं है? 70 करो। ये पहला अटेम्प्ट था, तो एक लाइन बोल दो बच्चों के लिए, कोई मोटिवेशनल लाइन जो आपको पता है। सर आप जो सुबह मॉर्निंग पढ़ाते हैं 6 बजे वाली क्लास, वो सर कंटिन्यूटी रहो, उसमें सर काफी क्वेश्चन आते हैं जो सर वन लाइनर है टू लाइनर है, आप पढ़ाते हो ना सर, उसमें से जो आप सर एक चार ऑप्शन में से अलग अलग निकालते हैं ना सर ज्यादा, तो उसी में क्वेश्चन आया इस बार। तो वही सर 6 बजे वाला क्लास अटेंड रेगुलर लो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। तो कंटिन्यूटी का एक फायदा है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि लगातार क्लास अटेंड करो, कंटिन्यूटी बनाए रखो, रोज सुबह जरूर जो है क्लास को अटेंड करें। और कंटिन्यूटी एकमात्र तरीका है जिससे आपको एग्जाम में मैक्सिमम फायदा होता है, क्योंकि एक दिन से पढ़ के हम इस पूरे पेपर को नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पता नहीं कौन सी क्लास से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑफलाइन के जो कंटेंट था, ऑफलाइन के जो बैचेस थे, उसका काफी इमेज के क्वेश्चन, तो जो एग्जाम से पहले इमेज बेस की या प्रैक्टिकल जो क्लासेज हुई है उसका भी बच्चे बता रहे कि काफी इस एग्जाम में फायदा हुआ है। थैंक यू बिल्कुल। राम निवास और मुकेश ये भी हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं, तो कितना अटेम्प्ट किया? 78। क्या लगता है प्री हो जाएगा? हो जाएगा राम? एक्चुअली सर इस बार जो मॉडर्न एड पेपर था और रिसर्च का पार्ट कम था, एमएसएन बाकी पीडीएफ सब कुछ इंक्लूड था। नॉन नर्सिंग में जो रीजनिंग था, रीजनिंग कम आया था, मैथमेटिक्स के सभी पोर्शन इन्वॉल्व किए थे, प्रॉफिट है और उसके अलावा जो भी लाभ आने का वो सब उसमें इन्वॉल्व किए थे। मतलब मैथ्स ज्यादा थी, रीजनिंग नहीं थी। मैथ्स के थोड़े 5-7 सवाल ज्यादा थे, रीजनिंग हर बार आती है जैसे एबीसीडी वाली आती है, तो वो इस बार थी नहीं। और रिसर्च के सवाल भी कम थे, एक दो रिसर्च के सवाल ज्यादा थे नहीं, एक या दो ही थे। और बाकी पेपर मॉडर्न लेवल का था हर बार, जो मतलब एम्स का प्रोटोकॉल रहता है कितने फंडामेंटल वो इंक्लूड था। और सर प्रीलिम्स का पेपर ग्राउंड लेवल से हमने रिपोर्ट यहाँ पे ली है, और जितना भी बच्चों ने यहाँ पे बताया है इस नॉट सेट प्रीलिम के पेपर में, इसमें ओवरऑल जो है 3 सब्जेक्ट पेपर में थोड़े ज़्यादा है, जिसमें साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक और ओबीजी सब्जेक्ट, ये थोड़ा पोर्शन ज़्यादा रहा है। कुछ क्वेश्चंस एमएसएन फंडामेंटल और बहुत कम क्वेश्चन कम्युनिटी का यहाँ पे रहे हैं। नॉन नर्सिंग की बात करें तो मैथ्स थोड़ा पेपर में ज़्यादा रहा है, थोड़ा करंट के क्वेश्चन आए हैं, रीजनिंग बहुत कम आई है, न के बराबर आई है। ये प्रीलिम्स के पेपर का ओवरऑल इवैल्यूएशन है इस नॉट सेट 7 के लिए। आई होप बच्चों का अटेम्प्टिंग जैसा 75 से 85 के बीच में रहा है, तो इस पेपर को आराम से क्वालिफाई कर लेंगे मैक्सिमम बच्चे। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने ज़्यादा नहीं है, तो लगभग सभी बच्चा जो लगातार पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको यहाँ पे फ़ायदा हुआ है इस पेपर में। उत्कर्ष का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब की क्लासेज, बच्चों को काफ़ी फायदा की, काफ़ी बच्चों ने सराहा है 6 बजे की क्लास को, तो इसके लिए बच्चों का धन्यवाद कि वो इतना अच्छा प्यार देते हैं, रोज़ देते हैं, और हम लगातार उनके लिए मेहनत करते रहेंगे, ये वादा है उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से। अगला मेंस के लिए, तो मेंस के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग उत्कर्ष ऑलरेडी बना चुका है, और ये हम कल की क्लास में भी आपको बता देंगे, तो कल सुबह 6 बजे जरूर मिलिएगा मॉर्निंग में। मेंस के लिए क्या लेके आ रहा है उत्कर्ष आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी है, समय कम है, प्री का रिजल्ट आता रहेगा, पेपर अच्छा रहा है आपका, कॉन्फिडेंट रहे और मेंस के लिए पूरी जी जान से तैयारी में लग जाए, ताकि मेंस का पेपर भी आप बहुत अच्छे से क्रैक करें, क्योंकि सफलता वहाँ है, रैंक वहाँ है, यहाँ तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो रैंक वहाँ निकालनी है। तो वो पूरा पैटर्न मेंस का जो एप्लीकेबल क्वेश्चंस है, जहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाने वाला बात है, वो सारा का सारा पैटर्न जो है वो मेंस में कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे नॉर्थ सेट सीरीज की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।